अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का लाख शुक्र है परवरदिगार का, रब्बिल आलमीन का। तो आप देख रहे हैं किचन में मज़ेदार वाले खाने। तो आज हम क्या बना रहे हैं? बहुत मज़े के चावल बनने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। वो है जी प्याज वाले चावल, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनते हैं। आपका अगर दिल ना करें कुछ बनाने के लिए तो मैं तो अपने घर में बना लेती हूँ। चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, सलाद के साथ भी खा सकते हैं, और रायते के साथ खाएंगे तो और मज़े के लगेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो ना मैंने रख दी है पतीली, और यहाँ पर रख दिया है ऑयल। आप चाहें तो उसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी ऑयल में। और प्याज मैंने जो है कटिंग करके रख दी है, और ये इतने टेस्टी बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अक्सर ये होता है कि गर्मी इतनी हो रही होती है, आपको पता है कराची में कितनी कहर की गर्मी पड़ रही है, अल्लाह माफ़ करे। कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, बस पानी पिए जाओ, जूस पिए जाओ, बस में लेके खाना तो खाना पड़ता है ना, है कि नहीं है? तो बस यहाँ पर जो ना मैं बनाने लगी हूँ चावल, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि चटनी के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं, और साथ में जी अचार हो तो क्या बात हो गई। ठीक है जी, तो चले जी यहाँ पर जाना, हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चावल बहुत कम है। ठीक है, आधा किलो चावल है तो इतना ही ऑयल हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब करेंगे ब्राउन प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अल्लाह पाक सबको कामयाबी की तरफ लेके जाए, परवरदिगार रब्बिल आलमीन है। तो अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रब के अलावा तो कोई भी नहीं होता, आप तो पता ही है। ठीक है जी, तो अल्लाह पाक सबके घरों में रिक्स बरकते नेम के अता करे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउन हो रहे हैं प्याज, और आज जो है खराब दिल करा था मेरा, और साथ में जो चटनी है, सलाद भी बनाया है, और घर का अचार भी, क्योंकि मैं तो अपने घर में चटनियाँ, सलाद और अचार, खास तौर पर अचार बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। चले जी आप ब्राउन कर लेते हैं प्याज ना, अब इतने ही सौते करने, ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करने हमने प्याज को। ठीक है ना, तो इसका जायका नहीं आएगा। ठीक है, अब ये चावल जो ना इसमें ये ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पचल पचल की जब तक आवाज़ें ना आए ना, नौ भी चलो मर नहीं आता, आपको तो पता ही है। चलिए चावल ऐड कर देते हैं, पहले मैं पानी ऐड कर दूँ। चावल भी ऐड कर देते हैं, तो जब भी बनाएंगे ना ये चावल बनाएंगे, बड़े टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और मुझे तो ना इसमें ज़ीरा नहीं है, अगर आपके घर में ना ज़ीरा हो तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, और साबुत मिर्ची भी होती हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप ना ये सिंपल से चावल बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये चावल। और मैं तो अक्सर जो ना, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही होती है, यकीन नहीं करेंगे, रोटी खाने को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता, और मैं तो यकीन नहीं करेंगे चावल मेरे घर पे इतने बनते हैं, सुबह शाम हम चावल ही खा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है तो क्या करें। आपको पता है कैर की गर्मी पड़ी है, मैंने कभी ज़िंदगी में ना इतनी गर्मी नहीं देखी थी, यकीन नहीं करेंगे आप। तो यहाँ इसका जो पानी है ये निकाल देते हैं चावलों का, और फिर ये चावल बच गए, ये सारे इसमें ऐड कर देते हैं। और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे, आपको भी पसंद आएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा नमक इसमें डाल देते हैं बस, और पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। इसमें चले जी, अब ये चावल जो ना खुश्क हो जाएगा इसका पानी, और फिर हम इसको रख देंगे दम पर सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, जब तक मैं इसका कैप लगा देती हूँ ताकि पानी और ये चावल जो ना, ये चावल गल जाए और पानी सूख जाए इसका। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखें पानी खुश्क हो चुका है चावलों का, अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आँच पर रखना है। ठीक है, और ये तीन कनी जो होती है ना, दो कनी आपने पका लेनी है, एक कनी आपने रहने देना है। ठीक है जी, तो फिर ही अच्छे बनेंगे चावल। ठीक है ना, इनको मैंने कैप पे कैप लगा दिया है, और अभी मैंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम इसको दूंगी, और ये चावल आपके हो जाएंगे रेडी। ठीक है, झटपट में ये चावल तैयार हो जाते हैं, और झटपट में आप खा भी लेंगे, बहुत आसान तरीके से, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, तो चलो मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, जब तक ये चावल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल बन चुके हैं, सुभानअल्लाह, मेरी अल्लाह पाक की नेमतें और बरकतें। ये देखें जी चावल कितने अच्छे बन चुके हैं, कितने निखरे निखरे और गर्मा गर्म। अब चाहे इसको आप सलाद के साथ खाएं,
या फिर चटनी के साथ खाएं, मैं तो चटनी और सलाद के साथ खाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ ना। ठीक है जी, मैंने सलाद बनाया है, चटनी भी बनाई है साथ में, और घर का अचार भी है। तो देखिए एक एक दाना कितना अलग अलग नजर आ रहा है, और ये खाने में भी लाजवाब, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी जो ना मैंने आज रेसिपी जो आपको बताई है चावलों की, तो आप यकीन नहीं करेंगे ये इतने मज़े के लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। ये तो अल्लाह पाक की नेमत है, बरकतें हैं, और अल्लाह पाक इतनी नेमतें दे रहा है, इतनी बरकतें दे रहा है, और आप लोगों का साथ और क्या चाहिए मुझे। चले जी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सिंपल सी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और छोटा सा सोना सा तेरा सा कमेंट भी कर देगा, ठीक है जी। चले जी, मेरे बच्चों को लग रही है भूख और मैं भी खाने लगी हूँ खाना, तो आप भी ये चावल बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है जी। कल फिर मिल जाएंगे नई रेसिपी के साथ, और झूला कर देती हूँ मैं बंद। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जनाब चावल यहाँ पर इतने मज़ेदार ये बन चुके हैं, यकीन नहीं करेंगे। ये आ गई चटनी, और ये मैंने डाल दी ऊपर हरा धनिया, और ये देखें क्या लाजवाब है, एक से एक दाना इसका अलग अलग, और कितने टेस्टी लग रही है ना। तो आप भी यकीन नहीं करेंगे, ये चावल बनाएं और इन्जॉय करके खाएं, ठीक है जी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।